सब कुछ ठीक है। और अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा है जो हमेशा ठीक है तो गड़बड़ है। आपके जीवन में अगर कुछ भी ऐसा है जो हमेशा ठीक है तो बात बड़ी गड़बड़ है। आपके जीवन में अगर कुछ भी ऐसा है जो हमेशा गड़बड़ है तो भी बात बहुत गड़बड़ है। प्रकृति में सबकी जगह है, सबकी जगह है। कभी आपको बहुत बड़ा होना है, कभी बहुत बच्चा भी होना है, बिल्कुल ठीक है। जब कहा जाता है कि मैं अमर हूँ, उसका मतलब आप समझते हैं क्या है? अमर होने का अर्थ ही यही है कि मैंने एक जीवन में हजार जीवन जी लिए। अमर होने का अर्थ है प्रतिपल मरना। बड़ा विरोधाभास है। अमर होने का अर्थ ही है हर पल मरता हूँ, हर पल नया जन्म होता है। एक जिंदगी में कई जिंदगियां जी ली हैं, क्योंकि मेरे एक नहीं हजार चेहरे हैं। लोग आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कृष्ण एक आदमी था। पश्चिम में बहुत लोगों ने रिसर्च करी है, वो कहते हैं कि भागवत पुराण का जो आदमी है वो गीता का आदमी हो ही नहीं सकता। व्यास नहीं लिख दी होगी गीता, और भागवत में भी कोई एक आदमी नहीं हो सकता, वो कहते हैं। ये सब अलग अलग लोग हैं, इन सबको एक अम्ब्रेला नाम दे दिया गया है कृष्ण का। वो कहते हैं एक आदमी नहीं हो सकता, और अगर ये एक आदमी है तो सिज़ोफ्रेनिक है, पगला है बिल्कुल, इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। समझ गए। नहीं तो एक ही आदमी, हाँ नहीं तो एक ही आदमी ऐसा भी और वैसा भी कैसे हो सकता है? जो बहुत सारे रिसर्चर हैं जो कृष्ण को एक आदमी मानने को ही नहीं तैयार हैं, कहते हैं एक आदमी में कुछ तो कंसिस्टेंसी होगी, इसमें तो कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। अर्जुन को पगला दिया, कभी कभी बोलता है कर्म, कभी बोलता है भक्ति, कभी बोलता है कुछ नहीं मात्र ज्ञान, कई बोलता है सब त्याग, कई बोलता है श्रृंगार और ऐश्वर्य, कहीं पर साड़ी और कहीं पर साड़ी चुराता है, कहीं साड़ी चुराता है कहीं साड़ी देता है। अबे कुछ तो पक्की बात कर, या तो देनी है तो दे, और लेनी है तो फिर ले सबकी, ये चक्कर क्या है? पगला मतलब बेबूझ, समझ में ही नहीं आता कब क्या करेगा। इसके सामने तो खड़े हो जाओ तो कोई भरोसा नहीं क्या कर दे। अब नंगे खड़े हैं कि साड़ी दे देगा, तो साड़ी देने की जगह और ताली बजा बजा हंस रहा है। आप भरोसा ही नहीं कर सकते कृष्ण पर, वो कुछ भी करेगा, आपके अनुसार नहीं चलने वाला। प्रकृति ऐसी ही है, कृष्ण प्रकृति के साथ रास ही नहीं करते, कृष्ण प्रकृति ही हैं। हमने इतना तो करा था कि गोपियां कृष्ण बन गई, ये भी जान लीजिए कि कृष्ण भी गोपी ही हैं। कृष्ण पूर्णतया प्रकृति ही हैं, पूरी प्रकृति है। प्रकृति में सब कुछ आप नहीं बता सकते हो कि अब क्या होने वाला है, कैसा है, क्या कुछ भी मौज। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का नाम धर्म है, इसी इनकंसिस्टेंसी का नाम धर्म है, इसी का नाम धर्म है। एक जैसा हो जाने का नाम नहीं है धर्म, ये तो हमेशा ही ऐसे रहते हैं, ऐसा कोई रहेगा भी नहीं कभी। बुद्ध भी अपने सारे क्षणों में ऐसे नहीं रहते होंगे। हाँ आपको इतना ही समझ में आया तो आपने उनकी वो फोटो खींच ली और उसी को हर जगह चिपकाए जा रहे हो, चिपकाए जा रहे हो, चिपकाए जा रहे हो। बुद्ध भी परेशान हो गएंगे, एक ही पोज मिली थी, इतना कुछ मैं और भी करता था दिन भर, उन पोजेस में क्यों नहीं मेरी फोटो बनाते? पर हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि बुद्ध नहा रहे हैं और ऐसे पीठ मल रहे हैं, क्यों? तब बुद्ध में कुछ कमी आ गई है जब पीठ मल रहे हैं? या अपना हाथ में आनंद जरा खुजला देना। अब बुद्ध की ऐसी प्रतिमा बनी हुई है कि बुद्ध बैठे हुए हैं, उन बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद खुजली कर रहा है, आप कहेंगे छी इसमें क्या श्रद्धा जैसी कोई चीज़ ही नहीं बची। नहीं, अब बुद्ध कम हो गए अगर खुजली हो रही है उनके पीठ में, पर आपको तो उनकी एक ही प्रतिमा देख करके श्रद्धा उठती है कि यूं बैठे हुए और ऐसे हैं। हाँ, अब बुद्ध ने खाना खाया और ऐसे, और इस पोज में अगर आ गए बुद्ध, बुद्ध खाना खाएंगे तो उन्हें स्वाद नहीं आएगा, जानते हैं। अगर लार ना आए तो खाना पचेगा ही नहीं, और लार उठती ही तब है जब मन में खाने की कामना उठती है,
खाने का पचना लार से ही शुरू हो जाता है। और लार कैसे आएगी अगर बुद्ध में खाने को लेकर के इच्छा ना हो? बुद्ध को भी इच्छा है भाई, नहीं तो खाना ही नहीं पचेगा, मर जाएंगे। प्रकृति है शरीर, उसमें इच्छा का पूरा पूरा स्थान है, पूरा पूरा स्थान है। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बुद्ध लार बहा रहे हैं, अब लार बहाता बुद्ध स्वीकार ही नहीं होगा। बुद्ध के तो लार थी ही नहीं। अरे बुद्ध खाना खाते ही नहीं थे, हवा पे जीते थे। बोलिए। या तो फिर वो कर देंगे कि बुद्ध को ऐसा विद्रूप बना दो कि इतनी बड़ी तोंद निकाल दो, या तो इस सिरे पर बैठे हैं, या उसको बिल्कुल वैसा बना देंगे कि जोकर बना दिया बुद्ध को। बुद्ध को बुद्ध नहीं रहने देंगे, या तो देवता बना दो नहीं तो जोकर बना दो। उनके बुद्धत्व में बुराई दिखती है, बड़ा अस्वीकार है, जैसे हमें अपना अस्वीकार है। बुद्ध प्रकृति हैं इस बात से हमें बड़ा अस्वीकार है, ठीक वैसे ही जैसे हमें अपना अस्वीकार है। हरमन हेस ने सिद्धार्थ लिखी है, उसमें उन्होंने बड़े जोर दे करके कहा, बुद्ध पर ही है, कह नहीं रहे कि बुद्ध की कहानी है, पर बुद्ध की कहानी है। बड़े जोर दे करके कह रहे हैं कि बुद्ध जब बाहर भी निकल गए हैं बाप का घर छोड़ करके, तो भी व्यापार भी कर रहे हैं, एक वेश्या के साथ भी रह रहे हैं, एक बेटा भी पैदा हुआ है उनका। पर आपको अगर एक चित्र दिखा दिया जाए कि बुद्ध अकेले नहीं है, बुद्ध हमेशा अकेले रहे हैं, बुद्ध के बगल में एक बैठी हुई है और उनके बीच में एक छोटा सा बुद्धू भी बैठा है, बड़ी दिक्कत हो जानी है। छोटा बुद्ध वो भी ये कहाँ से आ गया? वो भी बगल में कोई बैठाई होती, देवी उतरी है तो अच्छा रहता, वेश्या कमला, बड़ी दिक्कत है। पर जिन्होंने जाना है उन्होंने जाना है कि ये होके रहेगा। जीवन में हर रंग है, और आप होते कौन हो किसी रंग का दमन करने वाले? होते कौन हो? उसके साथ वेश्या के साथ 2-4 साल रहे हैं और फिर छोड़ के अपना आगे भी बढ़ गए हैं। कोई ओशो की बात कर रहा था, ओशो ने बात को और आगे बढ़ाया है, बोले कि बुद्ध और महावीर ये घर छोड़ के भागे ही इसीलिए क्योंकि ये बहुत कुछ इन्हें ऐसा करना था जो समाज में नहीं करा जा सकता था, तो उसके लिए जंगल की जरूरत थी। बोले कि ये इन्हें जरूरी था निकलना, नहीं निकलते तो मारे जाते, क्या हरकत है ये। तो जंगल में गए, 10-12 साल तक जीवन को जिया अच्छे से। वॉल्डन है हेनरी डेविड थोरू की, पूरी है ही यही कि वो आदमी कब लिखी गई है, छोड़ के चला गया था और पूरा सिविलाइजेशन से अपने आप को तोड़ दिया, अभी 100-200 साल पहले की बात। और कह रहा है कि मुझे जीवन छक करके पीना है, इसलिए मैं शहर से दूर जा रहा हूं। बुद्ध ने भी ठीक यही करा है, वो जीवन का नकार करके नहीं भागे हैं, वो जीवन को जीने के लिए भागे हैं कि यहाँ ये बैठी हुई है परेशान करती है, मेरी कुछ काम ऐसे हैं कि महावीर यूं ही नहीं मौन हो गए, मौन होने से पहले दहाड़े होंगे बहुत देर तक, अनर्थक बोले भी होंगे, फिर वो मौन उपलब्ध हुआ। अब ये काम महल में करेंगे तो कहेंगे पगला गया है, बकरा है। बकने का भी स्वीकार है और मौन का भी स्वीकार है, और बकना भी बहुत जरूरी है कई बार। बका ना जाए तो मौन उपलब्ध भी नहीं होगा, उसी को जिबरिश बोलते हैं। दोनों को स्वीकार करो, बकने को भी स्वीकार करो। जिबरिश करनी क्यों पड़ती है जानते हो? क्योंकि हम बकने से अपने आप को रोकते हैं। जिन्होंने बहुत इकट्ठा कर लिया होता है उनको करनी पड़ती है, वो जो यूं ही बकता रहता हो उसे नहीं करनी पड़ेगी।
आपको थोड़ी करनी है। अरे कोई जरूरत ही नहीं किसी विधि की, तुम्हें करनी पड़ेगी। मौन के लिए क्या करना पड़ेगा? यही कोई बुराई नहीं है बोलते रहने में, जो आया बोल भी दीजिए, कितना बोलोगे, थोड़ी देर में अपने आप मौन आ जाएगा। पर हाँ, उसको दबाओगे कि बोलूं कि ना बोलूं, कहने लायक है कि नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो जानी है। और है तो सब कुछ ही जिब्रिश, जो भी बोला गया वो जिब्रिश ही है। लाओत्सु ने कहा था, तुम कह रहे हो बोलो, जो ही बोला जाएगा वही बेवकूफ़ी होगी, तो मुझसे कह कैसे रहे हो कि सच बोल दूँ? जो बोला गया वो असत्य ही है, बेवकूफ़ी ही है, जो ही बोला गया वही जिब्रिश है, तो क्यों रोकना अपने आप को बोलने से? बोलने का भी स्वीकार, ना बोलने का भी स्वीकार, प्रकृति में सब कुछ है। नेचर में मेमोरी है, इज इट नेचुरल टू मेमोराइज? देखो प्रकृति में समय है, समय है, ठीक है ना, और जहाँ समय है वहाँ पर स्मृति भी है, वहाँ पर स्मृति भी है। नेचर में क्लिंगिंग काफ़ी कम है, क्लिंगिंग ज़्यादातर सोशल है। संपृक्तता, चेप हो जाना, वो हिंदी नहीं थी, हिंदी में चेप, चेप चेप हो जाना। तो ये चेपना जो है ये नहीं है, ये नहीं है। मेमोरी है क्योंकि समय है, मेमोरी है, नहीं मेमोरी है। फिर एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने पेन दिया फॉर एग्जांपल, और मेरे को चलाने में अच्छा नहीं लगा। आई एम कीपिंग दिस विद मी एंड एवरी टाइम आई सी दिस पेन आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट ही इज अ बैड मैन, ही इज अ कनिंग मैन। पल्लव ने ये पेज दिया और इस पेज पे मैं जो कुछ चीज़ें लिखना चाहता था वो लिख पाया। नाउ एवरी टाइम आई लुक एट दिस पेज आई से दैट ही इज अ नाइस जेंटलमैन। अब बट वो एक बार हो गया था, एक चीज़ हुई थी। हाँ, पर इसमें मेमोरी कहाँ है? इसमें मेमोरी है ना, इस दिस इज नॉट अ पेन नाउ, जैसे उस तब बात। आर यू मेमोराइजिंग एन इवेंट? मेमोरी का अर्थ तो ये है अतीत में घटना घटी वो याद है, ये तो कुछ और ही हो रहा है। नहीं, घटना की इमेज जो मेरे पास है वो याद है। अब उसने एक सिर्फ पेन दिया है मुझे, ठीक है, घटना के याद होने में और घटना को जैसे कह रहे हो ऐसे रिकॉल करने में बड़ा अंतर है। अ पार्ट ऑफ इट इज बीइंग रिकॉल्ड। याद होने में और इस तरीके से उसको रिकॉल करने में बड़ा अंतर है। To have a memory of something is not its automatic recall. हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबको कितनी बातों की मेमोरी है? असंख्य। पर क्या आप सब कुछ रिकॉल कर रहे हो अभी? क्या कभी भी ऐसा होता है कि जो जो आपको याद है वो सब आप रिकॉल भी कर रहे हो? नहीं, एसोसिएशन बना के रिकॉल करते। उस रिकॉलिंग की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, उसका मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है, उसको मेमोरी ना समझें। मेमोरी तो अपने आप में एक डेटाबेस है, वो होगा क्योंकि ब्रेन जो प्राकृतिक है उसका काम है रिकॉर्ड करना, तो वो तो प्राकृतिक बात है। पर ये जो रिकॉलिंग हो रही है ये कोई दूसरी चीज़ है। ये जो आप रिकॉलिंग कर रहे हो ना, ये प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति में ये नहीं आता। ये तो एक ये छेड़छाड़ है, ये एक सामाजिक इंटरवेंशन है, एक तरीके का करप्शन है ये। ये याद आ नहीं रहा, ये याद ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर टूल हट जाएगा तो ना वो बैड रहेंगे ना ये जेंटलमैन रहेंगे। वो टूल नहीं होगा, कोई दूसरा बना लेंगे। अच्छा, फिर कोई और ऑब्जेक्ट भी होएगा। इनके लिए प्रमुख ये नहीं है कि
टूल क्या है? अपने आप याद आ गया धीरे से, कुछ चाहिए इनको रिकॉर्ड। पर एक चीज है, अगर ये मेरे पास ना हो, मेरे आसपास ना हो मुझे बताने के लिए, और पेपर मेरे आसपास ना हो बताने के लिए, एज अ रिमाइंडर इज नॉट देयर, it will help, ki bahut mazedar, it will help nahi, it will help but only to a limited extent. nahi, main bol raha hu agar main kisi object ko relate hi na karu kisi, kabhi aisa hoga nahi ki tumhare aas paas koi aisa object na ho jo relatable na ho. sir wo theek hai, magar main jo keh raha hu ki I'm not constantly reminding myself, it will help but it will not cure, it won't cure. मगर जो एक्चुअल नेचर था मस्त जीने वाला, उसमें ये बाधा डाल रहा था. हाँ तो हटा सकते हो, इट विल हेल्प जस्ट एज अ ट्रीटमेंट, जस्ट एज अ ट्रीटमेंट इसको हटा सकते हो. मगर फिर ये देखना है, लेकिन असली मामला कुछ और है, वो इसको हटाने से सॉल्व होगा नहीं. थोड़ा सा मदद मिल जाएगी पर असली मामला कुछ और है, उसके ओर ध्यान देना होगा. क्योंकि ये हटाना भी सप्रेशन ही है एक तरीके से, जिस हिसाब से if that's the real nature, bas mast rahe, mast jeena, why do we actually collect things that keep reminding us of what has happened, etc, etc, etc. aur hame bhi pata hai ki jab hum jo mast bahut khush moments hote hain wo bahut acche hote hain, wo cheez hame bhi pata hai. ye jo jisko hum purush keh rahe hain na, iska swabhav sirf dekhne ka hai, इसका स्वभाव सिर्फ देखने का है. और देखने का मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम व्हाट यू. ये देख पाए इसके लिए जरूरी है कि ये कंप्लीटली फ्री हो ही, पर कंप्लीटली फ्री होने में उसमें एक फ्रीडम और भी आ जाती है, सो जाने की फ्रीडम. अगर मैं पूर्णतया मुक्त हूं तो मैं इस बात के लिए भी मुक्त हूं कि मैं मुक्ति से भी मुक्त हो जाऊं, ये गड़बड़ हो जाती है. दैट इज एक एक तरीका है उसको कहने का कि दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम. आई एम फ्री टू बी इग्नोरेंट. आप अगर एक चौकीदार हो, फ्री नहीं हो, आपके ऊपर एक ड्यूटी का बोझ है, तो आप रात भर जगोगे. पर अगर आप पूर्णतया मुक्त हो तो आप रात में चांद तारे देखने के लिए भी मुक्त हो, हवा का मजा लूटने के लिए भी मुक्त हो, घर जाने के लिए भी मुक्त हो, और सो जाने के लिए भी मुक्त हो. तो पूर्ण मुक्ति में एक ये घटना कई बार घट जाती है कि आप सो जाते हो, जैसे वो नदी वाला था. हाँ, वो एक जगह ठहर जाएगी. तो ये जब आप सो जाते हो, जब पुरुष सो ही जाता है, तब जब राम सो गए तो उस पत्थर को कौन जगाएगा, कौन जगाएगा? कोई नहीं जगा सकता ना. तब प्रकृति भी अपना तारतम्य खो देती है, उसका जो नाच है वो रुक जाता है, वो भी पत्थर समान हो जाती है, मुर्दा. तब हर तरह की बीमारियां उठती हैं. तब बस इतना ही करना है कि वो जो सो गया है पुरुष, उसको थोड़ा सा किसी तरीके से जगा देना है कि भाई उठ जा. वो उठा नहीं कि प्रकृति भी उठ जाएगी, दोनों का एक साथ है उठना. और इसीलिए हमने कहा था कि दो तरीके हो सकते हैं, प्रकृति को भी जगा दो तो भी वो जग जाएगा, और सीधे सीधे पुरुष को उठा दो तो भी उठ जाएगा. हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? हमारे लिए इसका ये अर्थ है कि आपके सामने स्टूडेंट बैठा है, उसको ध्यान में लाने के दो तरीके हो सकते हैं. पहला, आपकी बात में इतना वजन है कि वो ध्यान में आ जाए. और दूसरा तरीका जिसको हम कम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि आप उसको कोई फिजिकल एक्सरसाइज करा दो, उसकी प्रकृति को उठा दो, शरीर प्रकृति है ना, उसको उठा दो तो भी वो ध्यान में आ जाएगा, तो भी वो ध्यान में आ जाएगा. डिस्ट्रैक्शन के ऑब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे, चांसेस कम हो जाएंगे. उसको नींद आ रही है, नींद जा सकती है ऐसे भी कि आप उसे कोई ऐसी बात बोल दो जो बिल्कुल उसके मन को बेध दे. और नींद ऐसे भी जा सकती है कि आप कहोगे चलो थोड़ा सा आप नाच के दिखाओगे.